मित्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, हमने तृतीय पाठ स्वर राष्ट्रपूर्वम के श्लोकों को पढ़ा, अब हम उनका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो हमारा अभ्यास कार्य नंबर फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विकल्प वाले प्रश्न हमको करना है। पहला प्रश्न है, भारतवर्षस्य उत्तरशाम दिशि वर्तते, भारतवर्ष के उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में क्या है छात्रों? हिमाद्री, हिमालय, क्या है? हिमाद्री बोलते जिसको, या हिमालय। गायन्ति देवाः किल गीतकानि इत्ययम् श्लोकः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः, कि देवता गीतों में गाते हैं, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा छात्रों, विष्णु पुराणात्, विष्णु पुराण से। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादियो कह कम प्रतिब्रूते, कि सोने से युक्त लंका भी, ऐसा किसने किसको कहा? तो लक्ष्मण रामम प्रति, या राम लक्ष्मण प्रति, तो राम ने लक्ष्मण को कहा। तो राइट आंसर होगा आ, राम ने लक्ष्मण को कहा। समान संस्कृति मताम जनानाम विष्णु पुण्य भूमि भूहु किम निगद्यते, समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की पुण्य पित्र और पुण्य भूमि को क्या कहा जाता है? एकम राष्ट्रम, एक राष्ट्र। राष्ट्रस्य उत्थानम पतनयो को अवलंब्य कहा वर्तते, राष्ट्र के उत्थान और पतन का आधार कौन है? तो छात्रों इसमें आ जाएगा राष्ट्रियाः, क्या आएगा छात्रों इसमें? राष्ट्रियाः। भारते जन्म लब्धवा, हमारा अगला क्वेश्चन है लघुत्रात्मक प्रश्नाः, अर्थात हमें छोटे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारते जन्म लब्धवा अपि योजना सत्कर्म परांग मुख भवति सह किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति, कि भारत में जन्म पाकर भी जो लोग सत्कर्म से विमुख होता है वह क्या त्याग कर क्या प्राप्त करना चाहता है? तो छात्रों हमें सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या त्याग कर, तो क्या त्याग कर, तो आएगा इसमें पीयूष कलशम, क्या आएगा इसमें? पीयूष कलशम, अर्थात अमृत के घड़े को त्याग कर। और क्या पाना चाहता है, फिर वापस किम पूछा है, तो इसकी जगह हम वापस आंसर लगाएंगे विष कलशम। तो किम की जगह एक जगह पहले तो आएगा पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम इच्छति, यानी अमृत के घड़े को त्याग कर या छोड़ कर विष के घड़े को पाना चाहता है। विद्यायाः प्रकारद्वयम् किम् अस्ति, विद्या के दो प्रकार क्या हैं? तो इसमें आएगा विद्यायाः प्रकारद्वयम् शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या च, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या च। पृथिव्याम सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम् कस्य सकाशात् शिक्षेरन्, पृथ्वी के सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की किससे, किसके पास से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? तो सिर्फ हमें यहाँ कश्य शब्द दिया हुआ है, ये षष्ठी भक्ति का है, हम आंसर लगाएंगे वह भी षष्ठी भक्ति का लगाएंगे। तो आएगा यहाँ पे कि पृथ्वीयाम सर्व मानवाः स्वं स्वं चरित्रम कश्य सकाशात्, तो आएगा यहाँ पे प्रसूतस्य सकाशात्, क्या आएगा छात्रों? प्रसूतस्य, प्रसूतस्य लेंगे हम इसका आंसर। स्वर्गात अपि कागर्यसी, सिर्फ यहाँ का स्त्रीलिंग का एक वचन का है, कि स्वर्ग से भी कौन बढ़कर होती हैं? तो जननी जन्मभूमिश्च,
जननी जन्मभूमि च हम ऐसा भी लिख सकते हैं केवल यहाँ पर का की जगह, या फिर हम डायरेक्ट श्लोक जैसा लिख सकते हैं जननी जन्मभूमि च स्वर्गातपि गरीयसी। पूरा हम एक वाक्य इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गातपि गरीयसी, या फिर स्वर्गातपि जननी जन्मभूमि च गरीयसी। हम क्वेश्चन को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन की जब एक जगह सिर्फ हमें आंसर वाला वर्ड लगाना है तो वह भी कर सकते हैं। कया विना स्व निकट स्थितम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, तो यहाँ भाई किसके बिना, तो राष्ट्र दृष्टया, क्या आएगा छात्रों, राष्ट्र दृष्टया विना स्व निकट स्थितम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, कि किसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देख सकते हैं, तो राष्ट्र दृष्टि के बिना। राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति, राष्ट्र में किसको अपना नहीं कह सकते हैं, तो हम किसको नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति, हमारा राष्ट्र नहीं हो सकता है। कब नहीं हो सकता है, तो हमने पढ़ा था राष्ट्रे कस्य सत्वम न भवितुं शक्नोति, तो राष्ट्र को, राष्ट्र में किसको अपना नहीं कह सकते या नहीं हो सकता है, राष्ट्र किसका नहीं हो सकता है, कि हमने श्लोक में पढ़ा था कि पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यश्य न विद्यते, यही इसका आंसर होगा। श्लोक में देख लीजिए आप, श्लोक की फर्स्ट लाइन, तो पितृभूत्वम अर्थात पिता का भाव और पुण्यभूत्वम और पुण्यभूमि का भाव, द्वयम यश्य न विद्यते, जिसके अंदर ये दोनों ही नहीं होते हैं, तो सत्वम न भवितुं शक्नोति, राष्ट्रे सत्वम न भवितुं शक्नोति, हम पुनः प्रश्न में से मिला लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुण्यभूत्वम पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यश्य न विद्यते राष्ट्रे सत्वम न भवितुं शक्नोति। छ शास्त्रचर्या कदा प्रवर्तते, शास्त्र चर्चा कब प्रवर्त होना चाहिए, यानी शास्त्र चर्चा के लिए हमें कब प्रवृत्त होना चाहिए, तो आ जाएगा इसमें यदा राष्ट्रे शस्त्रेण सुरक्षित भवति, कि जब राष्ट्र शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होता है। आंसर क्या होगा, यदा राष्ट्र राष्ट्रम शस्त्रेण सुरक्षितम भवति, यदा राष्ट्र आएगा, यदा राष्ट्र शस्त्रेण सुरक्षितम भवति तदा सुरक्षितः भवति, यदा राष्ट्रः शस्त्रेण सुरक्षितः भवति, कि जब राष्ट्र शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होता है तदा, और फिर लास्ट में लगाएंगे तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, कदा हट जाएगा क्वेश्चन में से, कदा नहीं लगाना है क्योंकि यह क्वेश्चन वाला वर्ड है। तो छात्रों हमें सिर्फ इनके लघुतरात्मक प्रश्नों को ही हल करना होता है। अब हम करेंगे इनके प्रश्न निर्माण, और प्रश्न निर्माण में होगा हमें प्रश्न देखना है, ये हमारा आंसर है, हमें क्वेश्चन देना है इनके, कि अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि नीचे लिखे वाक्यों के जो ये रोएड छोटे वाले जो आंसर हैं क्वेश्चन हैं, इनके स्थान पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है, यानी ये आंसर वाला वर्ड है तो इसको देखकर हमें प्रश्न वाला वर्ड, तो हमें इसके लिए इसकी विभक्ति और वचन देखना होता है, जिस विभक्ति और जिस वचन का यह होता है हमें उसी विभक्ति और उसी वचन का हमें आंसर क्वेश्चन वाला वर्ड लगाना होता है। तो हिमालयात पंचमी विभक्ति का है, तो किम की पंचमी विभक्ति होती है कस्मात, तो हम लिखेंगे कस्मात् समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, धन्या तु ते, तो यहाँ पे ते जो है ये प्रथम पुरुष एकवचन का है, तो इसमें आ जाएगा के कौन, कि कौन धन्य है, मैं न रोचते, तो ये मैं जो है ये चतुर्थी भक्ति का है, रुचि धातु के योग में चतुर्थी भक्ति होती है, तो छात्रों इसमें आ जाएगा कस्मै,
शस्त्रेण सुरक्षित ए राष्ट्रीय शास्त्रचर्या प्रवर्तते, शस्त्र के द्वारा, तो शस्त्रेण तो आ जाएगा केन, ये तृतीय विभक्ति का है तो केन तृतीय विभक्ति का लगाएंगे हम केन, और यहाँ शास्त्रचर्या स्त्रीलिंग का एकवचन का है तो का लगाएंगे तो केन और का आ जाएगा। जन्मभूमि ही स्वर्गातपि गरीयसी, तो यहाँ आ जाएगा जन्मभूमि स्त्रीलिंग का है एकवचन का तो हम लगाएंगे का स्वर्गातपि गरीयसी। तो छात्रों इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। धन्यवाद।